वाहिगुरु 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 आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एसी चार कम सिख दे, हुण गुरु ने की चार कम करने? गुरु भी सिख दे जीवन में चार कर्म करदे। पहला कम गुरु दा सिख नूं समझाउणा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानूं समझाउंदे ने, ग्रंथ साहिब समझाउंदे ने सिखा तों खाणा की है। गुरु ग्रंथ साहिब समझाउणगे तों पहनणा की है। गुरु ग्रंथ साहिब समझाउणगे तों संसार विच वेखणा की है। गुरु ग्रंथ साहिब समझाउणगे तों दिन विच करना की है। गुरु ग्रंथ साहिब समझाउणगे तों सौणा कदों है ते जागणा कदों है। सब कुछ समझाउंदे। जेड़ा गुरु ना समझावे वह खतरनाक है। जेड़ा गुरु समझा रहा है वह सिख वास्ते लाभदायक हो सकता है। दुनियावी तौर पर किसी नूं कोई कम सीखने वास्ते गुरु बना लो, जे वह चंगी तरह ना समझावे कम, इहदा मतलब खतरनाक है। वह दिलों बेईमान है, उहदा चेला उहदा शागिर्द कितें भी धोखा खा सकता है। डॉक्टर कोल कम सिखण ला दिओ किसे नूं, उह चंगी तरह ना समझावे, उहदा कच्चा कंपाउंडर किसे दी मौत दा कारण बन सकदा है। इसलिए दुनियावी तौर पर जे कोई शरीरधारी उस्ताद होवे साध संगत, वह पूरी तरह ना समझावे उस कम विच उहदा शागिर्द कच्चा रह जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वह गुरु ने जिहड़े सानूं बिल्कुल पहलां समझाउणगे और किसे गल दा उल्ला लुको नहीं रखणगे। ऐ नहीं कहणगे आ गल इहनूं नहीं समझाउणी, कच्च नहीं रखणगे। हर गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज समझाउंदे ने खाणा की है। सीधा कहणगे बाबा होर खाणा खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। आ चीजा ना खाया कर भाई, इहदे नाल तेरा तन भी रोगी होना है, मन भी विकारी होना है। असीं गुरु दी सुणदे नहीं। जिदन फिर डॉक्टर कहिंदा कहिंदा कि कोलेस्ट्रॉल वध गए ने तेरे, हुण तैनूं अटैक हो सकदा है। उदन कहिंदा हां भई हुण मैं नॉन वेज छड्ड दित्ता, क्यों? डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल वध गए ने। जिदन डॉक्टर कहिंदा शराब पीनी हुण बंद कर, तेरी जान ले सकदी है ये शराब, ये तेरी मौत दा कारण बन जाएगी, ओए इने तेरा लीवर साड़ दित्ता है, उदन फिर छड़ दे। जिदन डॉक्टर कहिंदे शुगर हो गई है हुण शराब ना पिया कर, ये तेरी मौत दा कारण बन जाएगी, उदन छड़ दे। पर ये गल तो पहले गुरु ने समझाई सी कि जित पीते मत दूर होए ना पिया कर, वरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाणे खसमों तके खा। एक जो जो प्रणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए दे सबर सातल जाहे। एक सज्जन आया बाहरों, वो इटली रहिंदा है, कहना भाई साहब जी मच्छी तो वेजीटेरियन है ना, वो तो नॉन वेज आउंदी नहीं। कहिंदा उहदा तां तेल भी दवाइयां च पैंदा। मैं उहनूं कहा तुसीं कित्थों आए हो, कहिंदा फैमिली इटली रहिंदी। मैं कहा इटली च हो सकदा है उत्थे वेजीटेरियन होवे, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी इत्थे उचारण होई है, मेरे गुरु का हुक्म है भाई ये खाना मन है, तैनू कोई कहिंदा तू खाई जा। लोग जान बुझ के साडी मोहर लवाना चाहुंदे। इस तरीके लोग कहते जी ये की होंगे तो दवाइया भी पैंता है, शराब नाल की होंगे जी ये दवाइया भी पै जाती है। बंदा अपने हिसाब नाल, पर जो गुरु के हिसाब नाल चलोंगे, पहला गुरु समझाउंदा ये चीजा खानिया मना। गुरु कहेगा भाई खाना की है सुन, पहनना की है। गुरु घर चलना है तेरा पहनना इस तरह का होना चाहिए। तेरे पहनन नाल किसे दे संसारी तौर ते ना तेरी नरादरी होवे, ना किसे दी सुरत खराब होवे। इस तरह दा पहन के चल जिहड़ा किसे होर नूं दुख ना दे। साध संगत संगत विच आउण दा तरीका होना चाहिए। तुहाडा पहरावा इस तरह दा भड़कीला ना होवे, जिहनूं गुरु दे दर ते आए हो कोई वेखण वाला भड़क जाए देख के वी किस तरह दे कपड़े पा के आ गया। ये तो साध संगत जिहड़ियां सियाणियां माईआं ना वो बहुत समझदारी नाल चलदियां, गुरु दरबार विच चले आ, इदां दा गहना पा के नहीं आउणगे जिहदे करके कोई वेख के कहे इहने गहने किहड़े पाए।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਬੈਦੈ ਤਨ ਪੀੜੀ ਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਪੜੋ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਪੜੋ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਸਮਝਾਓ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਣਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਥਿਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਅੰਨੇ, ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਦਲਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬਲੇਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀ ਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ।